जटाकटाह संभ्रम प्रमिलिंप निर्जरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी कैसे मेरी प्यारी जनता। अभी फिलहाल हम लोग हैं शिव महापुराण की कथा पंडाल जयंती स्टेडियम भिलाई में, जहां पर दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है दिन में, लेकिन अभी फिलहाल रात का माहौल है। और अभी मैं आ चुका हूं दोस्तों रात का माहौल आप सभी को दिखाने के लिए कि यहां पर होता क्या है रात को। कोई यहां पर भंडारा भोजन ग्रहण कर रहा है, कोई फिलहाल अभी दोस्तों सो रहा है और कोई जाग रहा है, और यहां पर कोई तो भजन ही कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको क्या बताऊं दोस्तों। क्योंकि यहां पर इतनी सारी जनता एक साथ एक रात में रुकने वाली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लोगों दूर दूर से आए हैं, कोई लोग दूर दूर से आए हैं, किसी का जगह है तो कोई जगह छोड़ना नहीं चाहता अपना। देखिए आज जो भंडारा चल रहा है, भैया गाना भी गा रहे हैं, मैं ज्यादा यहाँ पे समय भी नहीं दूंगा, तो बाहर चले जाएंगे भैया लोग। चार देखो 4000 आदमी का मंडी भैया को फोन किए होंगे कि आप खिचड़ी का तैयारी करो, तो आप सब लोग के आशीर्वाद, क्योंकि हमको 5 दिन पानी कंटिन्यू गिर रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन भोले बाबा की कृपा, दया भाई तो भोले बाबा के, मैं तो ये बोलता हूँ दया भाई भोले बाबा है, भोले बाबा है, तो 5 दिन के अंदर इतना बड़ा काम करके पंडित भैया 4000 आदमियों का उस समय हम लोग व्यवस्था कराए, और उसके बाद निरंतर अभी कंटिन्यू सभी लोग जो बाहर से आए हुए जिनके लिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, पंडित भैया मिलकर अपने पूरी टीम के साथ में, पूरी टीम के साथ में आप लोगों को देखिए खाना पीना जो भी भंडारा है, तो एक बार इनके लिए ताली जरूर बजाए आप लोग। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य है हिंसा का लगता है पल पल पग में फेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। तो हे गाइस कैसी मेरी प्यारी जनता, फिलहाल अभी मैंने जैसे कि आप सभी को दिखाया, अभी मैं हूँ कथा पंडाल में, पीछे बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भक्त जो है फिलहाल अभी बहुत ही ज्यादा भजन कर रहे हैं। रात को इतना सुंदर भजन आप सभी को सुनने को मिलेगा ना, अगर आप आ जाओगे तो यहाँ घूमने जरूर आना रात को भी, क्योंकि रात को यहाँ का बहुत ही जबरदस्त माहौल होता है, और रात को आइए तो ज्यादा मजा आने वाला है। दिन में तो आप सभी को भीड़ भरकर मिलेगा, लेकिन रात को घूमने आओ, भले खाना खा के नाश्ता पानी जो करना है वो करके आओ और कथा सुनो, और यहाँ पर जो भजन करते हैं ना महिलाएं लोग और भक्त लोग, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार।